सरसाओ नमस्ते नमस्ते जी नंदोई साहब, आप तो ठीक ठाक रहे। हाँ हम तो ठीक ठाक रहे। फिर तुमने क्या हाल बना लिया अपना जी? हमने हाल, हमारे हाल की कुछ मत पूछो। जैसे रखेगा बोली ली छत वाला, वैसे ही रहना पड़ेगा जुदाई के जज्बा को नंदोई साहब, सहना पड़ेगा। ये बात सही, सरस साहब ऐसा कुदरत लिख देती है, ऐसा मनुष्य को भुगतना पड़ता है। हाँ जी चुनौती भाई साहब, चुनौ के रहने वाले ये 20 रुपए नौते में देते हैं भाई साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोलो। ये रफी मोहम्मद भाई साहब धोबिया के रहने वाले, ये 50 रुपए का पुरस्कार नौते में देते हैं भाई साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके शहर वाले तो सभी ठीक ठाक हैं? हाँ मेरे शहर में सब ठीक ठाक हैं। बड़े नंदोई साहब वो भी ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बुरा नहीं मान रहे। एक बात और मालूम कर सकती हूँ? मैं सर साहब तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, एक नहीं मुझसे दो पूछ सकती हो। तुमने सब सब बातें बता दई कुरग में बालो, एक ना बताई मोती दुखिया को तुमने बात। ऐसी कौन सी बात है सरज साहब जो मैंने तुम्हें नहीं बताई? हे नंदोई मेरे कैसे तो जीवे हिरैया तुम्हारा लाल। मैं प्यार कर लेती तो बहुत राजा हो रही है। नंदोई मेरे हिरैया लाल को मेरी जान है कुर्बान, मेरी दुनिया मेरी सारा जी तरीका। आपके लिए राम राम, रई के लिए भी राम राम। लेकिन आज तुम 12 साल के बाद गरीबी में हमारे घर आए हो नंदोई साहब। अनमिश भाई साहब दानपुर के रहने वाले, ये 50 रुपया नौते में देते हैं भाई साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 50 रुपए का पुरस्कार राहुल भाई साहब सैनपुर गांव के रहने वाले, सैमरा के रहने वाले, ये 50 रुपए नौते देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमित कुमार भाई साहब गांव सेवरा के रहने वाले, जे भी 50 रुपए नौते में देते हैं भाई साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज तुम 12 साल के बाद गरीबी में आयो नंदोई साहब हमारे घर, बेशक इस बात की हमें बहुत खुशी है। जो आज मेहमान बन के आए हो, एक बात और कहना चाहती हूँ। जरूर कहिए साहब। अरे चालियो तो चालियो मेरी घोड़े चालो तुम्हारे घोड़े चालो आजी।
खाते तुम जाना मर छाली और पान। चाली हमको पान अच्छा इसमें भाग की कोई बात नहीं है नंदोई साहब, मैंने सिर्फ आपकी वजह से ये छाली पान मंगाए हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, गरीबी में छाली पान ही खातिर करने को। मैंने तुम्हारे छाली पान खा लिए शरद साहब। हाँ तो मेरी भाभी मुझे बहुत मारेंगी। अच्छा ये भी बात है, अगर हमारे छाली पान खाओगे तुम्हारी भाभी मार लगावेंगी? बहुत मारेंगी मेरे लिए। क्या बेचारो आज तुम्हें ऐसी बातें कर रहे हो, बहुत मारेंगी मेरे लिए? हाँ मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है कि सब ये तुम्हारे बहाने वाली बातें हैं, जे है वो है। हाँ आज तुम हमारी गरीबी देख के ही छाली पान नहीं खा रहे हो, हमारा ये बुरा हाल देख के? नहीं सरद साहब, जब तुम मुझसे गरीबी का सवाल कर रही हो तो मैं तुम्हारे छाली पान जरूर खाऊंगा, जब मेरी भाभी मुझे जान से कहना मार दे। लाइए लो साहब ये छाली पान है, ये मजबूरी में कुछ नहीं है। और कुछ काम? हाँ एक काम और है, कमलावती को और भेज दो, एक छाली पान और है मेरे पास। तुम्हारी कमर पुख्ता है? कमर पुख्ता ही क्या बात है इसमें? बाद में कोई मेरे नंदोई साहब ने मुझे कोई बात नहीं बताई। हाँ बहुत मारने वाली है, तुम्हें हाथ ही मारेंगी। अच्छा ये मतलब है कि वो मारने वाली है और मुझे मारेंगी? कोई बात नहीं, मुझे मारेंगी तो मारने दो, लेकिन भेजो मेरे पास तुम। सही साहब मैं एक भेज दूंगा, तुम एक लंगो बैठ जाइए। सही है। ए भाभी नंगी को मौसे बोलो कर रहे। अरे मैं रास्ते में चल रहा था तो खरंजा पे ऐसी ठोकर लगी, मैं मुंह के बल गिर गया। हाँ मुंह के बल गिर गया, मुंह में चोट लगी, खून लग रहा है। मुंह खोलियो, मुंह खोल के दिखा और पान खाएगा। पान खाया हटको। क्या तेरे माया धारियों में और किसी के गैर के नहीं खाया, अपनों के खाया अपनों के, और तेरे माया धारियों ने साल में जे भी नहीं कही थी। मेरे भैया ने जो बीड़ी तक की मेरी बात नहीं करती, बीड़ी तक की बात नहीं करी मेरी। बीड़ी की काय को नही मेरे भैया ने, जब नहीं खाए इस बात का इलाज नहीं है। और ऐसा है उन्होंने करीब आई में मेरे लिए छाली पान खवाए और मुझसे तो भी हटी नहीं। तुमसे हटी? एक छाली पान रह गया उनके पास, तुम्हें बुला रही खाओ जाके। हटाओ मैं भी हटा क्या हूँ, मर्जी पान खवाएगी हमको। नमस्ते कमलावती। तुम्हारी नमस्ते के लिए ओढ़ू या बिछाऊं? नमस्ते कमलावती। कैसी बातें कर रही हो साहब? अरे तुम समझदार है कि आज ऐसी बातें करती हो कि तेरी नमस्ते को ओढ़ू या बिछाऊं? क्या करूं? अरे नहीं, मकान पर चार भाई बैठने आते हैं, उनके लिए राम राम करते हैं या सलाम करते हैं, तो कितना बड़ा नाम होता है, उस मालिक का नाम लिया जाता है। तुम नमस्ते से नफरत मान रही हो? हाँ मुझे नमस्ते से नफरत है, तेरी नमस्ते से नफरत है। कोई बात नहीं साहब। ए रतवे वाली, ए रतवे पाली, तुम क्यों खड़ी हो गई हो मुंह फेर के? आज मैं तो खड़ी हूँ तुम्हारा जे रथ घेर के, तुम ना सुनोगी तो सुनेगा कौन हमारी? लाज रखना मेरी, तुम मेरे कृष्ण मुरारी। लाज रखियो मेरे कृष्ण मुरारी। ये कृष्ण मुरारी के पुजारी। क्या बात है भैया, क्या बोल रहे हैं?
हाँ मेरा मतलब है साहब, पुजारी पुजारी तो खैर में नहीं हो। क्या मतलब है आपका, जल्दी बोलिए। मेरा मतलब जी, हाँ मेरा मतलब तो है, देखो अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो अपना मतलब मैं तुम्हें फौरन बताऊंगी। जल्दी बोलो, पास हमारा टाइम नहीं है। टाइम नहीं है जी? हाँ। कोई सरकारी सर्विस कर रही हो क्या? हाँ तो बात, कोई टाइम नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं साहब, नाराज क्यों है रही हो, जब टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे चलियो तो चलियो मेरी नदी, मेरी घोड़े चालो तू। नहीं खाऊंगी तेरे छाली नंगी पाने, कोनी कसम से तूने नैना लड़ाई बिगड़ी। टोटे मेरी छाली पान। बोल कौन से कसम से और कौन से यार से? कौन से कसम से कौन से यार? हाँ कौन से यार से? क्या ये तुम बच्चों वाली बातें कर रही हो कि कौन से कसम से या कौन से यार से? हाँ कौन से यार से लाई हूँ, ऐसी बात है तुम्हें अच्छी नहीं है। अरे इंसान के पास कितनी परेशानी आ जाए या कितनी भारी मजबूरी आ जाए, अगर वो समझदार इंसान होगा या समझदार औरत होगी तो ऐसी वैसी बातों में अपना ईमान नहीं दिखाती है। ऐसी वैसी बात? हाँ जी। वे इतनी बड़ी है गई, पर मैं क्या जानूं ऐसी वैसी बातें। ऐसी वैसी बात तुम नहीं जानती? मैं नहीं जानती। तो देखे तो तुम पति बिरता हो? हाँ मैं पति बिरते ही हूँ। पति बिरता हो? बिल्कुल। कोई बात ना साहब, तुम्हें कुछ अच्छी दिख रही है मैं? अरे नहीं नहीं, लेकिन आज फिर भी मैंने अपनी परेशानी में कोई दूसरा यार तो नहीं बनाया है। फिर कहाँ से लाई हूँ? जब मेरे पास कोई पैसा नहीं था कमलावती, आई के कही थी मेरे बालम ने के बारह साल में मेरी आ रही है हम तीर। अरे तुम्हारी तो कातिर मेरी लड़ती, पहले कांच पे कपाई। हमारे गुरुजी हैं और वो हमारे मालिक साहब सम्मान कर रहे हैं, 50 रुपए से करेंगे सम्मान, 50 से। ये हमारे माननीय गुरुजी हैं, यही मेरी चीज। एक बात और है साहब, तेरे छाली पान हम खाएंगे, तूने अपनी औकात दे दी। हमारी औकात कुछ नहीं है कमलावती, हम खाएंगे तेरे छाली पान। दाज निकल यहां से, ना खाओगी? कोई मतलब और है? अरे नाराज मत हो साहब, ना खाओगी तो मेरी जबरिया ना है। ये मान्यवर हमारे कार्जी मालिक साहब, लड़की भाई है कौन है? आए हाय, अब ये
नाम क्या आपका? वेदपाल सिंह। वेदपाल सिंह सागर साहब, ये 101 रुपए दोनों कलाकारों को, 50-50 रुपए दोनों को दूध पिंद रहे मालिक साहब हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बढ़ते बढ़ते इतने रे बड़े जइयो, अरे चली कोटी रे किला गहरा, मैया रे नाए जुरिया बे मेरे भैया, ये ढोलकिया बाजेगी रोजी नाए नाए भैया कस्बा में जाए मेरे। हेलो, ये प्रेमपाल सिंह 50 रुपए हमारे लिए दूध पीने को दे रहे हैं, 2 के नोट से, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।